माँ दुर्गा की आस्था में लीन भक्तों के त्याग और बलिदान की गाथाएं तो हमने सुनी है, मगर ऐसा ही एक मामला गोरखपुर के बांसगांव तहसील कस्बा एक ऐसा दुर्गा मंदिर जहां पिछले 300 साल से शरीर के अंगों से माँ दुर्गा को रक्त चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इसमें 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक अपना रक्त चढ़ाया करते हैं। एक ही उस्तरे से विवाहितों के शरीर के 9 जगहों पर और बच्चों के माथे पर एक जगह चीरा लगाया जाता है। मान्यता है कि जिन नवजातों के ललाट से रक्त निकलता है वे भी इसी माँ की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं। गोरखपुर के बांसगांव तहसील में श्री नेत वंश के लोगों द्वारा नवरात्र में नवमी के दिन माँ दुर्गा के चरणों में रक्त चढ़ाने की अनोखी परंपरा है। यह परंपरा पिछले 300 साल से निभाई जा रही है। हम लोग जिनकी विवाह नहीं होते हैं, जो बच्चा 3 दिन का भी होता है, उसका निष्क्रमण संस्कार करवा के और उसकी एक जगह की बलि होती है, और जिनकी शादी और विवाह हो जाते हैं, जो जनेधारी होता है, उनको जो है 9 जगह के पहले माथे पे, दोनों बाजुओं पे, सीने पे और जंघे पे, ये 9 जगह का बलि दी जाती है। इस परंपरा को चाहते हैं कि इस परंपरा के साथ साथ नई पीढ़ियों के द्वारा जो नया परिपाटी लाई जा रही है उसको भी आत्मसात करने की ज़रूरत है, और हम शारदीय नवरात्र के साथ साथ अगली जो हम लोगों की ग्रीष्म नवरात्र है यानी चैत्र नवरात्र, उसमें हम लोग चाहते हैं कि इस परंपरा को बढ़ाते हुए एक नया परंपरा चाहते हैं कि उस समय शारदीय चैत्र नवरात्र में संपूर्ण गांव के नगर के वासियों के द्वारा क्षत्रिय बिरादरी, व्यापारी बिरादरी, अन्य बिरादरियों के द्वारा एक रक्तदान की एक परंपरा अपनाई जाए, जिससे हमारे गांव के लोगों के, हमारे नगर के लोगों के, हमारे अन्य लोगों के लिए जन सेवा के रूप में। तो अभी तो रक्तदान की परंपरा यहाँ पिछली बार से शुरू हुई है। शुरू हुई है, जिसका लोगों ने विरोध किया। वो विरोध कहीं नहीं है, विरोध सिर्फ थोड़ी सी समझने की सबकी फेर है, और हम ये चाहते हैं कि इस परंपरा को कायम करते हुए हमारी अगर कुछ नई परंपरा है, नया एक सोच है, एक नई उद्देश्य है, तो हम उसको चैत्र नवमी में आत्मसात करेंगे, और ये बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, और ये बहुत जरूरी है।